मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियंस को जन्म दिया है, पर उनमें से कई जीनियस को उनके काम का श्रेय नहीं दिया गया। ऐसे ही एक ऋषि हैं भास्कराचार्य। इस एपिसोड में मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ। हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वैदिक काल में भारतीयों को स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पहले से ही पता था। एक श्लोक में बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट 2202 योजन पर हाफ निमिष है। योजन डिस्टेंस की एक यूनिट है जो 9.06 माइल्स के बराबर होती है, और पर हाफ निमिष का मतलब है एक सेकंड का दसवां हिस्सा। स्पीड ऑफ लाइट का ये फिगर मॉडर्न मेजरमेंट के बहुत ही करीब है। जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आइजैक न्यूटन का नाम आता है। स्कूल में हम सभी को यह बताया गया है कि न्यूटन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेट करने की प्रेरणा एक पेड़ से सेब गिरने से मिली थी, और पूरी दुनिया यही मानती है कि न्यूटन ही ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूटन से पहले ही एक इंडियन मैथमेटिशियन ऋषि भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था। भास्कराचार्य के कंट्रीब्यूशन को बताने से पहले ग्रेविटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फोर्स है जिसके कारण एक मास ऑफ बॉडी दूसरे मास ऑफ बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जितना बड़ा मास ऑफ बॉडी होता है उतना ही ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशन का पहला कॉन्सेप्ट भास्कराचार्य द्वारा बताया गया था, न कि न्यूटन के द्वारा। भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया है। कुछ श्लोक हैं जो बताते हैं कि ग्रेविटेशन कैसे काम करता है। सूर्य सिद्धांत के 12th चैप्टर के 32वें श्लोक का मतलब है, गोलाकार पृथ्वी पृथ्वी के सेंटर में ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अंतरिक्ष में खड़ा है, जो धरती को गिरने से रोकता है और इसे मजबूती से खड़े रहने में मदद करता है। सिद्धांत शिरोमणि के 6वें श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सतह पर गिरती है, और इसी के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारा मंडल अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं। ये बात सच में आश्चर्य कर देने वाली है कि इतने प्राचीन काल में भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशन की खोज कैसे की थी। उन्होंने यह भी कैलकुलेट करके बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.2588 दिनों में घूमती है, जिसमें मॉडर्न एक्सेप्टेंस से केवल 3 मिनट का अंतर है। यह सब बात उन्होंने न्यूटन, लिबनीज से कई सौ साल पहले ही अपनी किताब में बता दिया था। अगर आप सोच रहे होंगे कि भारत के ऋषि मुनियों के पास इतना ज्ञान कहां से आया, तो इसके बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।